सब्सक्राइब करिए माई क्रिकेट फैमिली को और बेल आइकन दबाइए, क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों को सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम, माई क्रिकेट फैमिली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दो महीने से लगातार सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों पर आईपीएल का खुमार चढ़ा हुआ था और अब आईपीएल के समाप्त होने के बाद एक बार फिर से भारतीय टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। और हम आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम का आईपीएल के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है वो है अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैचों की सीरीज जो कि 14 जून से शुरू होने वाली है बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया और इसके साथ साथ अफगानिस्तान टीम का भी ऐलान कर दिया गया। दोस्तों, हम आपको सबसे पहले भारतीय टीम जो कि 15 सदस्यीय टीम है जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर हम अफगानिस्तान के 16 सदस्यीय टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सब इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम में कप्तानी का जिम्मा दिया गया है अजिंक्य रहाणे को, क्योंकि विराट कोहली रेगुलर कप्तान है लेकिन वो चोटिल हैं और इसके साथ ही विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे तो अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया गया है। और दोस्तों, विकेट कीपिंग का जिम्मा रिद्धिमान साहा के चोटिल होने के कारण दिनेश कार्तिक को सौंपा गया है। तो दोस्तों, विकेट कीपिंग दिनेश कार्तिक करेंगे और कप्तानी अजिंक्य रहाणे करेंगे और इसके साथ साथ ही ओपनिंग का जिम्मा शिखर धवन, मुरली विजय और लोकेश राहुल में से कोई दो खिलाड़ी लेने वाला है। और दोस्तों, फिर मिडिल ऑर्डर में चेतेश्वर पुजारा के साथ करुण नायर रहेंगे और अजिंक्य रहाणे खुद रहेंगे। उसके बाद फिर ऑलराउंडर की भूमिका में रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या मौजूद हैं। दोस्तों, स्पिन की जिम्मेदारी में कुलदीप यादव हैं ही और उसके बाद फिर फास्ट गेंद तेज गेंदबाजों में उमेश यादव, मोहम्मद शमी, ईशान शर्मा के साथ साथ शार्दुल ठाकुर को जगह दी गई है। तो दोस्तों, ये थी 15 सदस्यीय टीम जो कि भारत की है अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए। और उसके बाद अब हम आपको अफगानिस्तान के 16 सदस्यीय टीम के बारे में बताने वाले हैं जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ होने वाले टेस्ट के लिए ऐलान किया है। दोस्तों, उसमें असगर इस्तनिक जई को अफगानिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया है और मोहम्मद शहजाद विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आईपीएल के स्टार रहे मुजीबुर रहमान और राशिद खान को इस टीम में जगह दी गई है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ही जावेद अहमदी, इंसाउल्ला जनत, रहमत शाह, नासिर जमाल, हसमतुल्ला साहिदी को भी टीम में जगह मिली है। अफसर जजई, मोहम्मद नबी को भी टीम में जगह दी गई है। और उसके साथ तेज गेंदबाजी में जहीर खान, आमिर हमजा, सैयद सिरजा, यामिन अहमद जई और वफादार 16 सदस्यीय टीम में मौजूद हैं जो कि भारत के खिलाफ उतरने वाले हैं अपने पहले टेस्ट मैच के लिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान के लिए ये एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच इसलिए है क्योंकि अभी पिछले साल ही आईसीसी ने उनको टेस्ट टीम का दर्जा दिया है और वो अपना पहला टेस्ट विश्व की नंबर एक टेस्ट टीम से खेलने वाले हैं जो कि अब 14 जून से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाली है। दोस्तों, आप हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस टीम से, अफगानिस्तान की इस टीम से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो भारतीय टीम को टक्कर दे पाएगी। क्या राशिद खान और मुजीबुर रहमान की स्पिन जोड़ी भारतीय टीम के बल्लेबाजों को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसी सभी वीडियो के लिए आप तुरंत माई क्रिकेट फैमिली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।